टॉस हुआ थोड़ी देर पहले, उसकी कुछ झलक आप देख रहे हैं। सी स्पोर्ट्स वॉन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। असद शाह एक और टेबल सेंसेशन, बहुत बड़ा नाम टेबल क्रिकेट में। और यकीनन एक्शन पैक्ड इनिंग्स का आगाज होने जा रहा है। असद शाह, तैमूर मिर्जा, देर आउट देर इन द मिडल, और मैच नंबर 3 की पहली बॉल अभी होगी। खयाम बिल्कुल तैयार है अपनी बॉलिंग मार्क पे और अंपायर थोड़ी देर में इशारा देंगे। और सर अब पहली बॉल, बॉल नंबर 1 स्मैश किया असद शाह ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 6 रन मिलेंगे, पीछे गिरी हुई गेंद स्मैश किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, क्लीन स्ट्राइक और पहली बॉल से एक्शन शुरू। बहुत ही आला शॉट, उम्दा टाइमिंग, क्लास शॉट, ओवर द होर्डिंग्स फॉर 6। कराची में ये बंदा किसी को छोड़ने वाला नहीं है, असद शाह मिस्टर 360 कहा जाता है इनको। अंपायर को क्रॉस कर रहे हैं, इस बार भी 1-6 गिनती कीजिए, डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से टीएम। पहली बॉल 6 रन ऑफ द मार्क और खेल दिया उसको ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग, व्हाट अ शॉट देयर इज, पुल करने में कामयाब और बहुत ही महंगा ओवर खयाम का। तैमूर मिर्जा और असद शाह का शो जारी है मोइन खान अकेडमी में। खयाम इस बार भी गेंद जाएगी ग्राउंड से बाहर, जी हाँ इस बार डीप मिड विकेट का इंतखाब किया है तैमूर मिर्जा ने, लेंथ बॉल बड़ी आसानी 6 रन रवाना हुए, अंपायर को क्रॉस किया, खराब गेंद, सही नसीहत वहां पर, डीप स्क्वायर लेके ऊपर से असद शाह को रोकना बहुत मुश्किल है। बड़े आराम से 6 रन के लिए खेल दिया, एक और छक्का लीजिए। तैमूर मिर्जा 4 out of 4 सो फार, 24 से पहुंच गए, 4 बॉलों का सामना किया है और छक्के के अलावा कोई और बात नहीं कर रहे। बिलाल एक बार फिर से रवाना कर चुके हैं, इस बार किनारा लगा, जाना होगा स्पेशल पर्सन बिलाल, मैंने बताया था इससे पहले भी तैमूर मिर्जा को परेशानी में डाल चुके हैं, गेंद पड़ के थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर निकला। एक बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए, रिसीव किया और एक्स्ट्रा फ्लाइट दी इसको, बड़े शॉट खेलने गए आउटसाइड रेंज और विकेट कीपर ने कैच मुकम्मल किया। तैमूर मिर्जा 24 5 गेंदों का सामना किया और इस तरह 46 for 1। खेल दिया स्कॉन साइड पे, पीछे गिरी हुई गेंद, खराब बॉल और फहद मियां चुन्नू ने इस तरह अनाउंस किया कि वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। बहुत ही अच्छा शॉट, बड़े आराम से इसको डिस्पैच करने में कामयाब हुए, ऑफ द मार्क विद द मैक्सिमम। और खेल दिया स्कॉन साइड पे, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, बहुत बड़ा छक्का, इंतजार किया बॉल का और फ्लिक कर दिया और स्टेडियम की छत पे बॉल को पहुंचा दिया है और इस टूर्नामेंट के बड़े तरीन छक्कों में से एक। बड़े शॉट के लिए गए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, आउट हो सकते हैं, कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है और कैच मुकम्मल किया, बड़ी विकेट ओएस डीएचए की शानदार कामयाबी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद। जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप से हासा बाहर, गेंद उठाना चाह रहे थे बाउंड्री से बाहर लेकिन वहां पर मौजूद फील्डर कोई गलती नहीं की, आसान कैच, दूसरा बड़ा झटका सी स्पोर्ट्स को फहद मियां चन्नू की सूरत में। फुल टॉस पहुंचा दिया इसको बाउंड्री की तरफ, इस दफा भरपूर कनेक्शन, खराब बॉल और असद शाह के नाम एक और छक्का। असद शाह जैसे बल्लेबाज को ये बॉल नहीं कर सकते आप, जी हाँ इस बार भी 1-6 गिनती कीजिए, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से उठाया असद शाह ने, 46 छक्के लग चुके हैं जेस्ट बॉल प्रीमियर लीग में अब तक, और अंपायर ने ये ऑफिशियल इशारा दिया है और सुपर बॉल का। छह रन के लिए खेल दिया है, सुपर बॉल थी ये, 12 रन मिलेंगे एज पर रूल, आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम असद शाह और अंडर प्रेशर बॉलर। इस बार भी पहुंचाया है 6 रन के लिए, 50 रन मुकम्मल किए असद शाह ने इसी के साथ और 2 गेंदों पर 18 रन हासिल किए और फास्टेस्ट 50 जो है जेस्ट बॉल प्रीमियर लीग की वो असद शाह के नाम। और यहाँ पर असद शाह का शो जारी है, एक दफा फिर
अंपायर्स के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, बहुत कुछ। इस बार फिर दोनों हाथ अंपायर के फिजा में बुलंद। मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, 37 रन कंसीड किए, 100 भी मुकम्मल हुए। इस बार टी बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से, इस बार भी एक से छह गिनती कीजिए। असद शाह को रोकना नामुमकिन है आज। असद शाह फायदा उठाएंगे या नहीं, और फायदा उठाने में कामयाब हुए, बैठ गए और बैठ के पहुंचा दिया इसको डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का। व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम असद शाह, ही इज अनस्टॉपेबल। चार गेंदें बाकी अभी भी स्पिनिंग की, इस बार गेंद हवा में है, क्या इस बार पकड़ा जाएगा कैच? उस्मान जान पट्टा मुश्किल लग रहा है जी। नहीं, इस बार कोई गलती नहीं, लेकिन अपना काम कर गए वहां पर असद शाह। 65 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत पोजीशन में लाकर खड़ा किया है वापसी यहाँ पर असद शाह की। जी की कोशिश थी कि बिल्कुल नॉट आउट जाते और पीछे गिरी हुई गेंद एक दफ़ा फिर हुक करने गए, लेकिन इस दफ़ा मिस टाइम शॉट, लीडिंग एज हुआ कि असद शाह की तबाहकुन इनिंग्स का खात्मा। 77/15 लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, और एक दफ़ा फिर टाइम नहीं कर पाए। तो छोटा विकी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आज उनकी इनिंग्स इतनी अच्छी नहीं रही, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म। चार रन बनाए उन्होंने, पाँच गेंदों का सामना किया और इस तरह से एक इस इनिंग्स का खात्मा। पाँच ओवर्स मुकम्मल, सीई स्पोर्ट्स 126 रन बनाए उन्होंने तीन विकेटों के नुकसान पे, और आज की इनिंग्स नाम रही असद शाह की। और कैमियो देखने को मिला हमें तैमूर मिर्ज़ा की तरफ से। बॉलर अपने स्टार्ट से बॉल किया, बड़ा ही खूबसूरत बॉल, टोटली वीटन, इतना प्यारा लेंथ बॉल कमी देखने को मिला इस टूर्नामेंट में अभी तक। और दूसरी बॉल पे ही विकेट आ जाएगी लग रहा है, और ये आउट सीधा फील्डर के हाथ में। कादिर कश्मीरी की बॉल पे असद शाह ने बड़ा ही खूबसूरत कैच लिया। जी हाँ, पहले ही ओवर में गेम को अपनी गिरफ्त में करते हुए कादिर कश्मीरी, और बेहतरीन कैच लिया यहाँ पे असद शाह ने, कोई गलती नहीं की, लेकिन बिल्कुल मिसक्यूट कर गए सैयद नासिर, ऐसा लगा कि चला के मार दिया। पहली बॉल पे अच्छा शॉट लेकिन सीधा हाथ में, दो बॉलों पे दो विकेट। जहीर कालिया ने कैच लिया है और कश्मीरी ऑन अ हैट्रिक। फुलर लेंथ बॉल था जिसको सही तरह टाइम नहीं कर पाए, शॉट इतना भी बुरा नहीं था लेकिन बहरहाल बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, सीधा उस्ताद जहीर कालिया की सेव हैंड्स में जाके गिरा। इस बार अच्छा शॉट किया है उस्मान जान पट्टा, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, एक और विकेट आएगा। तीन आउट कर गए कादिर कश्मीर, जबरदस्त शुरुआत, और पहले ही ओवर में मैच का जो रुख है वो बहरहाल चेंज कर दिया। जी हाँ, हैट्रिक तो नहीं कर सके लेकिन एक ओवर में तीन विकेटें लेने में ज़रूर कामयाब हो गए। बैट्समैन ने शॉट तो इस हिसाब से ही मारा था कि बॉल बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी, लेकिन क्योंकि हवा बहुत साथ दे रही है बॉलर्स का, अब शुरू के मैचेस में हमने ये चीज़ देखने को नहीं मिली, और वही किया मोइस ब्रावो ने, लेकिन एक बार फिर से असद शाह के हाथ में चार विकेट्स ले उड़े कादिर कश्मीर। एक्सेलेंट कैच है, एक्सेलेंट कैच, आई बिलीव के बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कैच लिया, मैच अपनी जगह, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट हो रही है फील्डिंग पे तो वो बिल्कुल उसको दाद देनी चाहिए। और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बैलेंस करते हुए असद शाह ने, जैसे बैट्समैन है वैसे ही इतनी उम्दा फील्डर हैं ये उन्होंने बताया। फिर से इस बार अच्छा शॉट किया है ओवर द मिड विकेट, पहला छक्का देखने को मिला यहाँ पे इस इनिंग में, बहुत ही आला शॉट, ये तेज बॉल पे तेज शॉट मार के उन्होंने बताया है कि इतने आराम से वो हार मानने वाले नहीं है। इस बार बेहतरीन टाइम, लेकिन फिर से एक और विकेट हो सकती है। जी हाँ, उस्ताद जहीर कालिया कोई गलती नहीं करेंगे, पांचवा विकेट भी गिर चुका। ये बिल्कुल शॉट जरूर किया था लेकिन बहरहाल बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। उस्ताद जहीर कालिया ने तीसरा कैच अपने हाथों में थामा। पंजा आ गया,
और 10 रन मिलेंगे वाइट के साथ, 4 और ओके एक्स्ट्रा रन काउंट नहीं होंगे, एक्स्ट्रा रन उतने ही हैं जितने बने हैं, सुपर बॉल जो है वो दोबारा होगी। थोड़ा सा नया रूल है इसलिए समझने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, सुपर बॉल कंटिन्यू होगी, सिंगल होगा लेकिन मिलेंगे 2 रन। वेल बॉल ज़हीर कालिया, और छक्का लगा दिया लग रहा है, किसी तरह स्लोर वन टाइम हो गया। अच्छा अरीब बल्खी से, लेकिन अच्छा शॉट था। दोबारा आएंगे और छक्का लगा दिया, बहुत ही अच्छा, नहीं बिल्कुल बाउंड्री पे कैच। इजी और रिलैक्स कैच लिया फील्डर ने, बहुत आला। जी हाँ, एक और खिलाड़ी को बैटिंग करने का मौका मिलेगा, एक और बॉलर को, जवाद जेडी ये आने वाले बल्लेबाज। माज लेफ्टी अच्छे बॉलर हैं, केपीके से ताल्लुक है और हमेशा केपीके ने बड़े ज़बरदस्त बॉलर दिए हैं, लेकिन इस बार बेहतरीन टाइमिंग। क्या बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर पाएगा? जी हाँ, 6 रन, एक और छक्का, तीसरा छक्का बहरहाल आ चुका है। मैच तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन और सीधा हवा में बॉल, इजी कैच लग रहा है, लेकिन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कैच लेने में कीपर, और ना उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा टाइम बचाएं और जाने दें। जी हाँ, आखिरी बॉल है इस इनिंग का, माज लेफ्टी, वन साइडेड मुकाबला इस मैच में देखने को मिला, और इसके साथ ही डॉट बॉल, और इसके साथ मैच का अख्तिताम। 43 रन किए सी स्पोर्ट्स ने।